हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें देखा है द करेक्ट रिलेशन बिटवीन वेक्टर्स पी, वेक्टर क्यू एंड वेक्टर आर इज। और यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखी, ठीक है, और यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइस हम जानते हैं कि जो ये वेक्टर क्यू ड्रॉ किया गया है ये होगा रिजल्टेंट, क्योंकि ये देखिए जो वेक्टर आर है उसकी टेल से किसकी तरफ ड्रॉ कर रखा है, जो वेक्टर पी है उसके हेड की तरफ। तो हम जानते हैं कि जब हमें रिजल्टेंट निकालना होता है तो हम क्या करते थे कि जो रिजल्टेंट होता है उसको एक टेल से दूसरा जो वेक्टर होता है उसके हेड की तरफ ड्रॉ करते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है फ्रॉम द फिगर वी कैन इजिली सी दैट वेक्टर क्यू इज़ द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर आर एंड वेक्टर पी, बिकॉज वेक्टर क्यू ड्रॉ फ्रॉम द टेल ऑफ आर। यहाँ पे वेक्टर क्यू को जो वेक्टर आर है उसकी टेल से ड्रॉ किया किसकी तरफ, वेक्टर पी के हेड की तरफ। तो हम जानते हैं इसीलिए क्या होगा कि जो वेक्टर क्यू है वो रिजल्टेंट होगा, तभी यहाँ हम लिख सकते हैं वेक्टर क्यू इज इक्वल टू वेक्टर आर प्लस वेक्टर पी। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू गाइज़।